कांग्रेस की बात जहां तक अपन करें तो कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं है, उनके कोई मुद्दे नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो नेताओं कुछ बोलिए, पार्टी कुछ बोलिए, लेकिन पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक को जो अंधभक्त बोलते हैं ना, वो बहुत पब्लिक है। 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन 400 पहुंच जाएगा अप्रोक्स। 80 में से 65 या 68 सीट आएगा। देश भर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, 4 जून को रिजल्ट आने हैं। लेकिन इससे पहले तमाम न्यूज़ चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाए, जिसमें ABP न्यूज़ ने भी फिर वापस 2024 में जो एग्जिट पोल आया उसमें NDA की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। जो 400 पार का आंकड़ा है वो बेहद करीब है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम नाश्ते की दुकान पर आए हुए हैं सुबह सुबह, और ये आम जनता हैं जो नाश्ते करने आते हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, ABP न्यूज़ का जो एग्जिट पोल आया जिसमें NDA वापस सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है, और मध्य प्रदेश में भी 28 सीटें आ रही हैं, 26-28 सीटें और कांग्रेस नहीं, 29 का 29 है। आपका खजुराहो और इंदौर का जो है वो तो क्लियर है, और 27 में एक जो है छिंदवाड़ा सीट है श्री नकुलनाथ जी का, तो उसमें जो है 99.9% जो है BJP का ही, 0.1% में वो जीत सकते हैं। बट आपका मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इसमें तो 99% मान के चलो। ये 4 स्टेट तो रह गई उत्तर प्रदेश का, उसमें 80 में से 65 या 68 सीट आएगा, है ना। बिहार में रह गई 25% RJD में जाएगा, बाकी जो है 75% BJP में जाएगा। पश्चिम बंगाल भी इस बार बढ़त दिखती दिख रही, कुछ 50-50 है, 50-50 लग रहा है आप, 50-50 हाँ, जितना उसका क्वांटिटी जो नंबर है सीट का उसमें 50% है बंगाल का। इस बार क्या मोदी में जी किया राहुल की किस तरह से जो माहौल है उसको देखो। अब गंभीरता पूर्वक जो बात होती है तो वो तो मोदी जी ही 20 हैं, है ना, और 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन 400 पहुंच जाएगा अप्रोक्स। सर, वापस देश भर में मोदी जी की सरकार की गवर्नमेंट बनने जा रही है NDA की, तो अच्छी बात है ना भाई साहब। क्या मान नहीं है, वो तो बनने को उम्मीद लगे रही है। अच्छा, क्या मोदी जी की गारंटी है, क्या लग रहा है विकास को देखकर? पब्लिक है, देखिए भाई साहब, एक्चुअली है क्या है, जो कुछ लोग पब्लिक को अंधभक्त बोलते हैं ना, वो अपना भक्ति दिखाते हैं। अच्छा, ये जो प्रचार करने काम है ना, ये कांग्रेस वालों ने प्रचार करते हैं BJP के लिए, अंधभक्त बोल के पब्लिक को वो भक्ति करवा देते हैं। मेन बात ये है, उस भक्ति का देखिए, नेताओं कुछ बोलिए, पार्टी कुछ बोलिए, लेकिन पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक को जो अंधभक्त बोलते हैं ना, वो पब्लिक है, बस इतने बोलना चाहता हूँ मैं। सर, जो वापस NDA गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो 400 पार का नारे दिया था लेकिन उसको छूती हुई दिखाई दे रही, तो क्या आप मानते हैं? नहीं, 400 पार तो नहीं हो सकती है, 370 के आसपास हम कह सकते हैं। और मोदी जी की उपलब्धि है देश के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की है। रही विपक्ष की बात, कांग्रेस की बात जहां तक अपन करें तो कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं है, उनके कोई मुद्दे नहीं हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ऐसी सरकार बना के पब्लिक क्या करेगी? जिसके लिए उनका खुद का भविष्य नहीं, तो पब्लिक का क्या भविष्य होगा? मध्य प्रदेश में वापस 26-28 सीटें BJP को मिल रही हैं और 1-3 कांग्रेस को मिल रही, तो क्या लग रहा है इस बार क्या कांग्रेस को बढ़त मिलेगी या 29 में से 29 BJP को मिलेगी? क्या आप 29 तो नहीं मिल रही है, लेकिन 26-27 सीट कांग्रेस की BJP की अपन मान के चल रहे हैं कि क्लियर है। क्या 2-3 सीटों में है थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि 2-3 सीटों में बराबर की टक्कर है, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष है, तो इसलिए अपन वो नहीं कह सकते हैं कि 100% है, लेकिन 26-27 सीट तो कंफर्म है। जनता ने किस विकास को देखकर वोट किया कि मोदी की गारंटी? नहीं, देखिए, मोदी की गारंटी तो ठीक है, कोई भी लीडर होगा गारंटी तो होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी कमी है, कोई लीडर ही नहीं है कांग्रेस में, अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं है। जो सीनियर लीडर्स हैं वो घर में बैठे हुए हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत भी पब्लिक के बीच में जिनका पॉपुलर थे, जिनका अपना वो था, उनका कहीं कोई वो नहीं है, 2-3 लोगों में सिमट के रह गई ये चीज़ें। नए लोगों को आगे लेके आए हैं जिनका कोई अभी तक पब्लिक के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे उसमें पब्लिक को तो खुद ही ये देखना है कि अपने भविष्य के लिए क्या करना है। और फिर रही बात विकास की, तो निश्चित है कि विकास तो है,
विकास तो हो रहा है। आम लोग हैं जो नाश्ते की दुकान पर हमें सुबह सुबह मिले थे और इनका सभी का ये कहना है कि देश भर में मोदी जी की गारंटी को लेकर लोगों ने वोट करें, लेकिन मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कोई लीडर नहीं है जिस तरह से मैदान में उनको उतरना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी मोदी की गारंटी पर लोगों ने वोट कर जरूर किया है। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ भोपाल से ABP न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर।